अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर देख रहे हैं और ये दोनों पेपर पर मुश्तमिल है, पेपर वन और पेपर टू उर्दू पर मुश्तमिल है और इसमें कुल 125 सवालात होंगे। आज हम कुल 60 सवालात देखेंगे और आइंदा वीडियो में पार्ट टू में हम उसका आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे इंशाल्लाह। ये UGC नेट के लिए मैंने बनाई है लेकिन इससे आपको दिगर इम्तिहान में भी हेल्प मिलेगी, जैसे RPSC, TGT, जो भी है ऑल महाराष्ट्र टेस्ट या फिर ऑल स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसको अखबार की जान, ज़मीर और अवाम की रहनुमाई करने वाला मीनारा कहा जाता है, ये बताना है। तो ये है अदारिया कहा जाता है। फ़नी तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी इस किताब के तख्लीक़कार कौन है, ये बताना है। तो सज्जाद बाखिर रज़वी या फिर निसार अहमद क़ुरैशी या नूरुल हसन हाशमी या नूरुल हसन नक़वी। तो ये नूरुल हसन नक़वी की किताबें हैं तो इसका चौथा ऑप्शन जो है तो दुरुस्त होगा। मतसा कितने बंद पर मुश्तमिल नज़्म होती है, ये बताना है। तो 8 पे, 9 या 10 या फिर 7। तो ये 9 नज़मों पर मुश्तमिल ये बंद होती हैं। मखमस यानी 5 पर होती हैं, मुसद्दस बोले तो 6 पर। इसी तरह ये क्वेश्चंस था। जदीदियत के बाद किसकी किताब है, तो जदीदियत के बाद ये किताब है गोपी चंद नारंग की किताब है जदीदियत के बाद। असौलत पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ वाक़िया है, ये बताना है। तो ये जो है तो रामपुर में वाक़िया लाइब्रेरी है, इसके अलावा रज़ार लाइब्रेरी भी रामपुर में ही वाक़िया है। आगे बढ़ेंगे, पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी और सालार जंग लाइब्रेरी कहाँ है। सालार जंग से आपको लगेगा कि यह हैदराबाद में वाक़िया होगी लेकिन ये हैदराबाद में वाक़िया नहीं है, बल्कि ये दोनों लाइब्रेरी जो है तो पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी और सालार जंग लाइब्रेरी, ये दोनों लाइब्रेरी पानीपत में वाक़िया है। अख्तरुल ईमान की कौन सी नज़्म खहते बंगाल पर लिखी गई है, तो इसमें है तन्हाई, एक लड़का या एक सवाल। तो इसका आंसर होगा एक सवाल। ये नज़्म है अख्तरुल ईमान की और ये खैते बंगाल पर लिखी गई है। नाम दियो माली में बाग के दारोगा का नाम क्या है, तो ये नाम दियो माली जो है तो खाका है, ये खाका है मौलवी अब्दुल हक का और हमें बताना है कि बाग के दारोगा का नाम क्या है। तो इस खाके के बाग के दारोगा का नाम है अब्दुल रहीम खान, ये तो होगा। लेकिन ये मियां खान एक किरदार है और ये कुंदन का है और ये जो है तो चपरासी है, कुंदन चपरासी है और कुंदन जो है तो रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है, ये आप याद रखें। एक ही क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चंस में 4-5 सवालात बने हुए मिलेंगे। ये मॉडल पेपर तो सिर्फ मॉडल पेपर ऐसा बनाई थी मैंने कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कंप्लीट इसमें 100 क्वेश्चंस है लेकिन ऑप्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। काम इस वक्त होता है जब इसमें लज्जत आने लगे, ये है लज्जत या नहीं आना, लज्जत आने लगे, बेमज़ा काम नहीं बेकार हैं, ये किस किताब की लाइन है, ये बताना है। तो ये नाम दियो माली का ही खाके से लिया गया है, इसी किताब के खाके की लाइन है ये। आगे बढ़ेंगे हम, तलबा को 4 हिस्सों में तकसीम किस इंशाए में किया गया है, तो ये इंशाया है लाहौर का जुग्राफिया। इसमें तलबा की 4 किस्में बताई हुई हैं और ये लाहौर का जुग्राफिया पत्रस बुखारी का
इंशाइया है। इसके अलावा साइकिल की सवारी, ये भी ही इनका है और ये दोनों निसाब में शामिल है। और साइकिल की सवारी को दूसरा नाम दिया गया है मरहूम की याद में। और तलबा की चार हिस्सों में जो तकसीम की गई है उसमें है, एक है जमाली, जमाली है, दूसरा है जलाली, और तीसरा है ख्याल, और चौथा है खाली। इन चार जो है तो हिस्सों में तकसीम किया गया है तलबा की कैटेगरी को। मियाँ तुम्हें अर्जी दावा लिखना क्या आएगा, खाक मुद्दतों से साथ हो, इतना मगज़ मारता हूँ लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती। ये कहा था किस इंशाए का पैराग्राफ है या किस इंशाए से माखूज है, तो ये वकील साहब इस इंशाए से लिया गया है। क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मानोगे भी, और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। गालिब ने यह ख़त किसको लिखा और किस किताब में दर्ज है ये बताना है हमें। तो गालिब का यह ख़त की लाइन है और जो हमारे ख़त में है उर्दू मौला, यही शामिल निसाब ख़त है और इसी से लिया गया है। तो ये मुंशी हर गोपाल तुप्ता उर्दू मौला से ये लाइन ली गई थी। आगे है मौलवी अब्दुल हक की मरतब किताबों का ज़ुमरा तलाश कीजिए ये बताना है। तो इसमें मौलवी अब्दुल हक की किताबें हैं, एक किताबें भी हैं और उन्होंने जो किताबें मरतब की हैं उसे ही हमें बताना है। तो ये सारे ही सारे आपको जो है तो मौलवी अब्दुल हक की किताबें, इसमें मौलवी अब्दुल हक की किताबें मिलेंगी आपको और उसी में मरतब किताबों को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका है मेराजुल आशिकीन, गुलशन इश्क, कुतुब मिश्री, ये तीनों को भी मौलवी अब्दुल हक ने मरतब किया है। यह इन्हीं की किताब है, मरतब किरदा और मखज़न शुरा इन्हीं की किताब है। ये उर्दू का अलमिया ये इन्हीं की किताब है लेकिन यह मरतब किताब नहीं है। और मरहूम दहली ये भी इन्हीं की किताब है लेकिन मरतब किताब नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक ही दुरुस्त होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम, ये तहक़ीक़ का फन दूसरा। उसके बाद है एहतशाम की तनकीदी किताबें, इसमें जो है तो एहतशाम की तनकीदी किताबें दी गई हैं। इन्हें तरतीब के लिहाज से दो ज़ुमरे सही हैं, दो दुरुस्त है तरतीब के लिहाज से, उसे ही तलाश करना है हमें। तो तनकीदी जायज़े ये एहतशाम हुसैन की ही किताब है और ये 1945 है। इसका शनिशाद रिवायत और बगावत, ये रिवायत और बगावत इन्हीं की है और ये 47 है। इसी तरह अदब और समाज, ये भी इन्हीं की है और ये 48 है। इसका शनिशाद 1948 है, 1947 और 1948। ज़ौक़ अदब और शऊर, अक्स, आयने, अफकार, वसाइल, ये भी इन्हीं की किताबें हैं। तो तनखीद और अमली तनखीद, तनखीद और अमली तनखीद भी इन्हीं की किताब है और ये 1952 इसका सनिशाद है। इसी तरह ज़ौक़ अदब 1955 है, ये 55 में है इनकी किताब। शऊर और शऊर अक्स और आयने, अक्स और आयने, सॉरी अक्स और आयने इन्हीं की किताब है और ये 1962 की किताब है ये। और आयने इफ़्कार ये जो है तो 63 में शाई हुई है, इनकी किताब है 63। और एतबार नज़र ये 64 है। तो ऊपर के जो इसके अलावा ये थे इनकी किताबें। और ये साहिल और समंदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक जो है तो सफ़रनामा है। और इसके अलावा है पारे, रोशनी की दरीचे, ये इनकी नज़म है। और अदब पारे भी इनका मजमूए कलाम है शायद। तो इस तरह से ये नहीं होगा। और बाकी के जो दो है वो सिक्वेंस में है, इसलिए इसका आंसर होगा एक और दो।
आगे बढ़ेंगे हम, ये पहला ही ऑप्शन दुरुस्त होगा। मारूज़ी तलमीज़ा का नज़रिया किसने दिया और शायर की तीन आवाज़ें किसका मज़मून है? तो ये है टी एस एलियट का है शायर की तीन आवाज़ें, इसके साथ आपको ये भी मालूम होगा। उसके बाद है मंदरजा ज़ैल में से दो ज़ुमरे तलाश करें जो अज़ीम अदब के खसूसियात में शामिल है। तो अज़ीम अदब के खसूसियात में हैं अज़मत ख़याल, शिद्दत जज्बात और सनाए व बदाए का बेहतरीन इस्तेमाल और इंतखाब अल्फाज। ये तो अज़ीम अदब के खसूसियात में हैं। लतीफ़ अल्फाज ये कोई नहीं है इसकी खसूसियात, और तरतीब ये इसकी खसूसियात ही है, तो इसलिए तीसरा नहीं होगा, बाकी एक और दो होगा और ये लॉन जॉनसन का हॉल है। इन्होंने बताया है अज़ीम अदब की खसूसियात को। आगे है अल उम्दा किसकी है, बताना है कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसने किस पर बहस की गई है की है। तो अल उम्दा ये किताब है इब्ने रशीक की, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसमें है शेर पर बहस की गई है, इसलिए आंसर इसका एक होगा। अब ये है इसके चेहरे पर कुछ ऐसा झूठा आजीजाना अंदाज था जो भीख मांगते वक्त मोटे भिखारियों के चेहरे पर होता है। इस नावल से माखूज़ है, यानी ये बताना है कि किस नावल से माखूज़ है ये बताना है हमें। तो ये है गोदान से। इसके अलावा ये भिखारी का ज़िक्र है यहाँ पे खुदा की बस्ती में भी और आखिरी कोशिश में भी, इसलिए यहाँ पर होगा गोदान में है ये। मंदरजा ज़ैल में एक दावा और दलील दी गई है, सही की निशानदेही करना है कि क्या सही है और क्या गलत। दावा यह है कि गोदान को प्रेमचंद का शाहकार नावल कहा जा सकता है। दलील ये है क्योंकि इसमें देहाती ज़िंदगी की जीती जागती और बोलती चलती तस्वीर दिखाई देती है जो उर्दू ज़बान व अदब में दूसरा नावल नहीं है, इस जैसा दूसरा नावल नहीं है। ये तो सही, दोनों भी सही हैं और ये हमने कौल बनाया, कौल किशन परशाद कौल ये इन्हीं का कौल है और इसी पर बेस मैंने दावा और दलील बनाई है। आल अहमद सुरूर का तखल्लुस क्या है? पहले आल अहमद सुरूर जो है अरशद तखल्लुस करते थे। मिजाज का ये मिसरा किस किताब में दर्ज है? कोई पूछे अगर वो कौन है बतला नहीं सकता। ये मिजाज का मिसरा है, कोई पूछे अगर वो कौन है बतला नहीं सकता। तो ये एक लड़की इस अफसाने में जो है तो एक लड़की इस अफसानवी मजमू में दर्ज हैं। अहमद जमाल पाशा का असल नाम क्या है? तो इनका अहमद जमाल पाशा का असल नाम है आगा मोहम्मद नुजहत पाशा और ये हमारे निसाब में शामिल है, इंशाया निगार के तौर पर शामिल है। इनके इंशाए हैं कापुर का फन और चीनी शायरी, ये इन्हीं के इंशाए। ये शेर किसका है? बताना है किस इंशाए में दर्ज है। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद रहकर तो वो खौफ व ज़िल्लत के हलवे से बेहतर हैं। तो ये है इस्माइल मिरहटी का शेर है और ये है जुनून लतीफ़ा में जो हमारे निसाब में शामिल है। आगे है नावल और इनके हिस्सों का सही ज़ुमरा तलाश करना है। कुछ हिस्से दिए हुए हैं नावल के और उसके जो है तो आपको इससे पूरे नावलों के हिस्से का पता चल जाएगा। उदास नस्लें ये चार हिस्सों पर मुश्तमिल नावल है जिसमें ब्रिटिश इंडिया वो इस तरह के कुछ हिस्से हैं। इसके अलावा है फिरदौस बरी, ये नौ हिस्सों पर मुश्तमिल है। टेढ़ी रकीर, इसमें तीन मंजिलें हैं बिल्कुल, और एक चादर मैली सी, इसमें ग्यारह हिस्से हैं। तो एक और दो तो सही हैं लेकिन तौबतुन्नसु इसमें जो है तो 13 हिस्से नहीं हैं। खुदा की बस्ती इसमें भी 14 नहीं है। गोदान इसमें 36 अबवाब है, ये सही हैं।
लेकिन ये गलत है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये इस आबाद खत आबे में ये यहाँ पर चार हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये आब इस आबाद खराबे में जो है तो 17 हिस्सों पर मुश्तमिल ये है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। मंदरजा ज़ैल में से सही जो है उसकी निशानदेही करना है, ये बताना है। तो इसमें जो है राम प्यारी, राम दुलारी, बरजू, मथुरा, जानकी, ये पहले हिस्से में जो है तो एक ही अफसाने के किरदार है, राम प्यारी, राम दुलारी, बरजू, मथुरा और जानकी, ये है मालकन, मालकिन अफसाने का, मालकिन अफसाने के किरदार हैं। इसी तरह इसमें ननकू, शरीफेन, रसूलन, घोरे, कालाचंद, असगर, ये कालाचंद जो है तो ये नावल का किरदार है। फिर इसी तरह शरीफ रसूलन, ये भी नावल का किरदार है ताबतुन नसो का। उसके बाद है लोकस, ये भी नावल का ही किरदार है फायर एरिया का। शिवदास जो है तो अफसाने का किरदार है, गया भी अफसाने का किरदार है, इसलिए इसका आंसर ये अभी 1 हो गया। लेकिन उसके बाद है 1 और सलामत, करामत, सलामत, ताहिरा, साबिरा, अजमल, नासिर अली, ये जो है तो एक अफसा नावल के किरदार हैं बस्ती के, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 4। मंदरजा ज़ैल ज़ुमरे में मौनस ज़ुमरा तलाश करना है, मौनस ज़ुमरा कौन कौन सा है? तो ये है कामलता, लक्ष्मीबास, फूलकली, मदनबान, नौशपा। तो ये है मौनस ज़ुमरा। कामलता रानी केतकी का है, लक्ष्मीबास भी रानी केतकी का है, फूलकली भी रानी केतकी का किरदार है, मदनबान भी रानी केतकी का ही किरदार है, और नौशपा जो है तो ये ज़हाक का किरदार है, ये ड्रामे का। इसी तरह मरवारीद, ये सुरैया, रखमन, गौतम, फिरदौस, गोदान, तो ये दो है ना ड्रामे के किरदार, और बाकी जो है तो ये नावल के किरदार हैं। इसी तरह दरबारी लाल, मेहता, बिहारी लाल, गिरदारी लाल, ये जो है तो अफसाने, ये अफसाने के ही किरदार हैं। हरम सिरा में एक गुलाम गर्दिश और हरम सिरे का पाए सिरा का पाए बाग बताना है, किस एक्ट में है? तो ये इश्क एक्ट में है, अनारकली से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें है ये लोग जो खेतों में, सड़कों पर और गलियों में काम करते हैं, ज़हीन और रूहानी नहीं मगर अक्लमंद ज़रूर है, ज़हन और ज़हनी और रूहानी नहीं मगर अक्लमंद ज़रूर है, अपने गांव में अपनी ज़मीनों और अपने माँ बाप और अपने बच्चों के नाम पर ज़रूर आएंगे, इसके लिए किसी सियासी तहरीक को गैर महदूद नहीं किया जा सकता। ये किस नावल का हिस्सा है, किस नावल का किरदार है और किस हिस्से में है, ये सॉरी पैराग्राफ है, ये बताना है और किस हिस्से में दर्ज है? तो ये है उदास नस्लों का। इसी तरह यहाँ पर गोदान में भी खेतों का जिक्र होता है और यहाँ पर भी उदास नस्लें हैं, बस्ती में भी आया हुआ है। तो उदास नस्ले का पहला हिस्सा, इसके कुल 4 हिस्से हैं उदास नस्ले के, जिसमें है ब्रिटिश इंडिया है, फिर बाद में हिंदुस्तान है, बंटवारा है और फिर खातिमा, इस तरह से इसके 4 हिस्से हैं। तो ये पहले हिस्से में दर्ज हैं। आगे पढ़ेंगे बेला और बुतुल, किस की उम्र कितनी है और ये किस अफसाने के किरदार हैं, इन्हें कितने रुपए में ख़रीदा गया और ये अफसाना किसका है, ये भी बताना है। तो ये बेला और बुतुल, ये है बेला की उम्र है 12 साल और बुतुल की 11 साल है, 11 साल की है, ये एक तफवाई के नाम खत इसमें है और ये है कृष्णचंद्र का अफसाना है जो हमारे निसाब में शामिल है, वहाँ से लिया गया है। एक तवाइफ के नाम खत, जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म जन्हा के नाम, यहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन कृष्णचंद्र का है। आगे बढ़ेंगे हम,
कुंदन किस नावल और किस अफसाने का किरदार है, ये किसका अफसाना है? तो कुंदन एक नावल में भी ये किरदार है, ये है तीड़ी लकीर नावल का किरदार है, और अफसाने में है यूक्लिप्स और ये बेदी का अफसाना है। तो इसका पहला ही आंसर दुरुस्त होगा। आगे है, अफसानवी मजमे दिए हुए गए हैं और उनके अफसानों को मैच करना है कि रास्ता बंद है, इसका अफसाना क्या है? ज़ुमरे वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं, एक दो में भी हमें आंसर मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा वो नहीं करना, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस में हमें एक सही आंसर मालूम होना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादातर मैंने ऑप्शंस में ज़ुमरे वाले ऑप्शंस कम ही रखे हूँ। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे ज़ुमरे वाले, बाकी डायरेक्ट डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बनाई थी मैंने। तो रास्ता बंद है, ये जलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है, ये है। तो रास्ता बंद का पहला अफसाना जो है, तो एक शेर यहाँ पर, ये शहर बिकाऊ है, ये अफसाना है इसका। उसके बाद है दूसरा है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार ये है ख़ुरतुल ऐन हैदर का, और इसमें बताना है हमें इसका कौन सा अफसाना है। तो इसका अफसाना है जिन बोलो तारा तारा, ये आगे पीछे हो गया, ये कोई इसमें इसी तरह से हो जाता है, जिन बोलो तारा तारा, ये ख़ुरतुल ऐन हैदर का अफसाना है ये। और उसके बाद है तीसरा है एक लड़की, ये अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का, और इसका पहला, इसका अफसाना बताना है हमें तो पहला पत्थर, इसी का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो, ये बेदी का है। हम बचे, इसका क्या है, दिवालिया, ये है इसका अफसाना। इस तरह से जोड़कर आप राम प्यारी राम दुलारी बरजू मथुरा जान के, इसका आंसर ये होगा मंदरज दैल में से मौनस वाला जुमरा, बताइए भी होगा रहा राम सेरा में गुलाम गर्दिश, ये भी होगा, ये होगा बेला का भी हो गया है कुंदन, ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पे बंद हो गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। रास्ता बंद है, ये है जिलानी बानो का अफसाना, और ये है ये शहर बिकाऊ है, इससे जुड़ेगा। और उसके बाद है दूसरा है रोशनी की रफ्तार, ये ख़ुरतुल ऐन हैदर का है, और इसका अफसाना है जिन बोलो तारा तारा। उसी तरह एक लड़की, ये अहमद अब्बास का है, और ये है इसका पहला अफसाना, इसका अफसाना है पहला पत्थर। उसके बाद है अपने जो दुख मुझे दे दो, ये बेदी का है, और ये दिवालिया, इसी का अफसाना है, आप इसे जोड़ दें। आगे पढ़ेंगे, जहां जहां आबाद तू कब इस सितम के काबिल था, मगर कभो किसी आशिक का ये नगर था, कि यूँ मिटा दिया गोया के नक्श बातिल था, अजब तरह का ये हजर जहां मिसाइल था, कि जिसकी खाक से लेती थी खल्क मोती रोल, ये है इस सनफ से माखूज है। तो ये सौदा का शेर आशोब है, और इसी से लिया गया है, मखम्मस में है ये। यादों में शामिल नज़में कौन कौन सी है, तो ये नींद से पहले नक्श पा दूर की आवाज़ मौत, ये सारी की सारी नज़में अख्तरुल ईमान की है और यादें में शामिल हैं। इसके अलावा फैसला नई सुबह एतमाद तन्हाई में, ये भी अख्तरुल ईमान की है और यादों में शामिल है। पगडंडी जब और अब अहद वफा, ये भी अख्तरुल ईमान की है और यादें में शामिल है, और 1961 में ये मजमू शाये हुआ था यादें। आगे बढ़ेंगे हम, शेर लिखना जुर्म ना सही, लेकिन बेवजह शेर लिखते रहना ऐसी दानिशमंदी भी नहीं, जिसके नहीं, ये यहाँ पर है किस दिबाचे में, ये बात किस दिबाचे में दर्ज है ये बताना है। तो ये है नक्श फरियादी में दर्ज है ये में, ये जो है तो शेर लिखना जुर्म ना सही, लेकिन बेवजह शेर लिखते रहना ऐसी दानिशमंदी भी नहीं, ये किस दिबाचे में है, तो ये नक्श फरियादी के दिबाचे में दर्ज है। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा बताना है कहाँ हुआ था, हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा जो है तो कहाँ हुआ, ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन हाशमी रिहाइश का अकब लक्ष्मी मेंशन में ये पहला जलसा हुआ था। इसके बाद दूसरा जलसा है बदरुज़ज़मा
एक्सपोर्ट एम्पोर्ट मिस्री शाह में वाक़ जो है इन्हीं के मकान पर हुए हैं। उसके बाद है तीसरे में है ताबिक सिद्दीकी के मकान पर YMCA में हुआ। तो इससे आप ये तीनों याद रख सकते हैं। यहाँ यहाँ ये तीनों जगह हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसे हुए हैं। तो पहला तो पूछा हुआ है एग्ज़ाम्स में UGC नेट में, इस तरह से ये दूसरे भी आ सकते हैं। आप तीनों याद रखें। आप स्वांग बहरूप और नौटंकी किस सन्फ की मरोजा छोड़ते हैं ये बताना है। तो ये है ये ड्रामे की जो है तो सुरते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। किस सनफ को किस तहरीक से उरूज हासिल हुआ ये बताना है। तो रिपोर्टाज को तरक्की पसंद तहरीक से उरूज हासिल हुआ है। और नज़म को तो हल्के अरबाब ज़ौक से उरूज हासिल हुआ। नज़म सॉरी सफ़रनामे ये नहीं है इसमें। किस सनफ को सिर्फ किस सनफ के लिए इस्तेमाल होता है तो ये रिपोर्टाज के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसका तीसरा आंसर सही होगा। ऐसी नज़म जिसमें एक बुनियादी जज्बा या ख्याल को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है ये तो पेश किया जाता है। दो हिस्सों में पहले हिस्से का बंद है मुसम्मन और दूसरे में मुसद्दस। ख्याल में पहले बंद में जो है तो ख्याल का फैलाव होता है, दूसरे बंद में इसकी तकमील होती है। ऐसे नज़म को क्या कहते हैं तो आप इसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नज़म कौन सी होगी। तो मुसम्मन बोले तो 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होगी, मुसद्दस 6 अगर ये दोनों को जमा कर लिए तो हम ये है 14 14 मिसरों पर जो नज़म मुश्तमिल होगी वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सानिट। आगे हैं यहाँ पर जो है तो मजलिसें दी गई हैं करबल कथा की जो मजलिसें हैं उसे तरतीब से लगाना है और सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है कि कौन सा सही ज़ुमरा है। तो यहाँ पर है शहादत हज़रत कासिम, फिर शहादत हज़रत अब्बास, शहादत हज़रत अली अकबर और शहादत हज़रत असगर। ये है तरतीब से लगे हुए हैं। तो इसका आंसर सही एक बाकी में तरतीब जो है तो इधर उधर हुए भी है इसलिए इसका आंसर होगा एक। सबरस को कब किसने और कहां से शाय किया ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने शाय किया था अंजुमन तरक्की दक्कन से और ये किया है 1932 में। तो इसका आंसर होगा तीसरा। उमंगे मेरी आरजुए मेरी उम्मीदें मेरी जस्तजुए मेरी ये एक अल्लामा इकबाल का कौल ये मिसरा है नज़म का और ये साखीनामा इस नज़म में माकूल है ये मिसरा। इसके अलावा यहाँ पर खुद नविश्त में कौन से दर्ज है ये बताना है। तो ख्वाब बाकी है इस खुद नविश्त में ये दर्ज है ख्वाब बाकी है और ये आल अहमद सुरूर का खुद की खुद नविश्त है ख्वाब बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे। इसमें आज़म कब शाय हुआ तो ये 1965 में इसे शाय किया गया है। लेने से डेडेश मिलता है मांगने से भीख भी नहीं मिलती तो ये मुकम्मल करना था। लेने से ताज व तख्त मिलता है मांगने से भीख भी नहीं मिलती ये फिराक का शेर है और इसी से बनाया गया है। मुकम्मल करना है दूसरा रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। तो इसका आगे का मिसरा है दहका हुआ आतिश गुल चमन तमाम से इन नहीं होना चमन तमाम ये हसरत मोहनी का के गज़ल से लिया गया है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। यहाँ पर बताना है ये आतिश वो खाक यहाँ मिल गया ये वो बाद वो आब ये तकरार है एक गज़ल की जिसके आखिर में ये मिसरा आता है। आतिश वो खाक वो बाद वो आब की तकरार किस गज़ल में देखने को मिलती है तो ये गज़ल है किसकी गज़ल में होना था
किसकी गज़ल में देखने को मिलती हैं, तो ये शाद अज़ीम आबादी की गज़ल में देखने को मिलती हैं हमें, और इसमें कुल शेर की तादाद है 10। आगे है लखनऊ में वफात पाने वाले शुरा और अदबा का ज़ुमरा बताना है। इससे आपको ये क्वेश्चन से आपको लखनऊ में कौन कौन से शुरा की वफात हुई इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो लखनऊ में इसमें है अनीस, दबे, नासिक, आतिश, इंशा, मुसफ़ी। अनीस ये है लखनऊ में वफात, सौदा अब्दुल हलीम शर्रर हसरत मोहनी, इनकी भी लखनऊ में ही वफात हुई, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। मीर तकी मीर, सौदा, जुरात और मजमून, इनके उस्ताद का नाम क्या था? तो खान आरजू जो है तो इन्हीं के उस्ताद थे, मीर तकी मीर के, सौदा के, जुरात के और मजमून के, ये चारों के उस्ताद एक ही हैं, खान आरजू। इसमें 4 भी सवाल बन सकते थे लेकिन ये एक ही सवाल बनाएं। आम लिसानियत और लिसानी मुतालिक किसकी किताब है? तो ये ज्ञानचंद जैन की किताब है, लिसानी मुतालिक और आम लिसानियत ज्ञानचंद जैन की किताबें हैं। इसके बाद हैं इन में से खमर रईस की किताबों वाला ज़ुमरा तलाश करना है, ये सारी किताबें खमर रईस की होगी। ये ताज तलाश हो तवाज़ुन, तनकीदी तनाजिर, तामिर व तहलील, असनाफ अदब उर्दू, ये है खमर रईस की किताबें। इसके बाद दूसरा देख लेंगे हम किसकी किताबें हैं, ज़िक्र गालिब, गुफ्तार गालिब, अफसाना गालिब, तस्करा महावसाल, ये दूसरा है मालिक राम की है ये किताबें, ये इन्हीं की किताबें हैं दूसरे में। और आदमी और इंसान, सितारा और बादवान, ये मोहम्मद हसन अस्करी की किताबें हैं, ये देख लें आप, हसन अस्करी की किताबें हैं, ये भी जहन नशीन रख लें आप। आगे बढ़ेंगे हम, सवा उम्री को तरतीब से लगाना है, और यहाँ पर तरतीब एक ही होगी कि तरतीब दुरुस्त कौन सी है ये बताना है हमें, सवा उम्री की तरतीब। तो इसमें है हयाती, सादी, ये है 1881, हयात सादी 1881 में है। फिर अलमामून, ये है 1888 में है, ये 1888 में। इसी तरह ये है यादगार, हयात जावेद, फिर आएगा हयात जावेद 1892 में, यादगार गालिब 93 में है 1800, और सीरत नबी ये है 1910 में। इस तरह से ये तरतीब होगी इसकी, हयात यहाँ पर अलमामून 1888 में है इसलिए इसकी तरतीब ये होगी, हयात सैदी, हयात जावेद और यादगार गालिब, ये दोनों की भी तरतीब दुरुस्त होए इस हिसाब से भी, ये 1881 में है और हयात जावेद 1892 में है, और यादगार गालिब जो है तो 1893 में है। तो ये दोनों तरतीबें दुरुस्त होगी, ये भी और ये भी। तो इसका आंसर है 1 और 2, ये 3 इस तरह से। इसमें नहीं दिए बता ऑप्शंस में, आप देख ले। छठा दरिया सनफी लिहाज से क्या है और किसका है? तो ये एक रिपोर्टास है और फिकर तौनसवी की है ये। इनमें से आगा हशर कश्मीरी के ड्रामों का ज़ुमरा तलाश करना है। तो ये है सफ़ेद खून, शहीद नास, ठंडी आग, भरत मुनि, दिल की आग, ये सारे के सारे आका हशर कश्मीरी के ड्रामे हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन से इतने सारे ड्रामे देखने को मिल गए। शतरंज की मोहरे, राजा चंपा और 4 भाई जामदार, ये जो है तो ड्रामे ही हैं, और ये ड्रामे किसके हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख लें। इनमें से आका हशर कश्मीरी के ड्रामों वाला जुमरा तलाश करें, ये होगा डोल डाल एक अनोखी बात, ये है किस दास्तान का उन्वान है? तो ये है रानी खेत की
इस दास्तान का ये है तो उनवान है। उर्दू के इन इब्तदाई नसर निगारों के नाम जिन्होंने इस ज़ुबान के इर्तिखा को मुमकिन बनाया, ये इंतसाब भी रानी कैथी की कहानी में ही देखने को मिलता है। मर्सी आरिफ से में है ये। पहले और आखिरी बंद को तलाश करना है तो पहला बंद और आखिरी बंद हमें बताना है। तो लाजिम था देखूं मैं रास्ता कोई दिन और। पहला बंद है तन्हा क्यों गए अब रहो तन्हा कोई दिन और, ये इनका पहला बंद है। उसके अलावा आखिरी बंद है नादान हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, ये यहाँ पर किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। ये दोनों मिसरे जो है तो आखिरी बंद के हैं, पहला और दूसरा। ये पहला बंद और आखिरी बंद पर मुश्तमिल है। इसे पता हाँ ए फलक पीर जमा था अभी आरिफ, इसका दूसरा क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। तो ये बीच किससे है, बीच से लिया गया था, बीच के अशआर थे। जुम्बिश में मेरे खामो अफसो तराज की ये है जमील मजहरी का मरसिया है, और ये इसमें कुल बंद है 73 बंद पर मुश्तमिल मरसिया है। और किस मजमू में है तो ये मिजराब शादात में है, और कब शाये हुआ ये है 1991 में। इस तरह दूसरा ये है पैमाने वफा जमील मजहरी का है, इरफान इश्क भी जमील मजहरी का ही है। तो ये पैमाने इश्क वफा ये इन्हीं का है, 93 बंद पर मुश्तमिल है, 1936 में शाये हुआ। इसका मिसरा है रहबरी करती है मकसद अशात क्यों कर, ये है इसका। और यहाँ पे है इरफान इश्क, ये भी जमील मजहरी का है, 37 बंद पर है और 1930 में ये शाये हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर है इश्क क्या है गम हस्ती से रह जाना, इसका मिसरा है इश्क क्या है गम हस्ती से रह जाना। इस तरह से ये होगा जब तक ये चमक महर किए परतों से ना जाए अखले सुखन मेरी खलम रूह से ना जाए। इसमें किस सनत का इस्तेमाल किया गया है तो ये अहयाम इस सनत का इस्तेमाल किया गया है। सौदा शंस ये है सौदा किस नवाब की दावत पर फैज़ाबाद आए थे और इन्होंने कितने रुपये माहाना मुकर्रर किया था, तो ये शजाउद्दौला की ज़ुबान में आए थे और 200 रुपये माहाना मुकर्रर किया था। आगे है मंदरज ज़ैल में दो ज़ुमरे तलाश करना है जो अजीम मदहब के खसूसियात में शामिल हैं। तो पहला है अजमत ख़याल शिदत जज्बा सनाए बदाए का बेहतरीन इस्तेमाल और इंतखाब अल्फाज, ये तो दोनों की दोनों शामिल हैं अजीम मदहब के खसूसियात में, और तरकीब अल्फाज भी होता है, लेकिन ये लतीफ़ अल्फाज कोई नहीं है इसलिए इसका आंसर होगा एक और दो। ये डबल आ गया शायद क्वेश्चंस। ये थे हमारे आज के कुल 60 क्वेश्चंस देखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होगी और इससे इंशाल्लाह